Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss multiple pregnancy. So multiple pregnancy क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा फीटस होंगे जब यूट्रस के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अभी कैसे होती है इसको डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ इसकी क्या टाइप्स होते हैं, देन डायग्नोसिस क्या होता है, देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें, साथ ही लाइक करें अगर आपको लेक्चर समझ आए तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी? सो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है? व्हेन मोर देन वन फीटस साइमल्टेनियसली डेवलप इन द यूट्रस इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। ओके, सो साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ टू फीटस इज़ मोस्ट कॉमन, ऑल द रेयर डेवलपमेंट ऑफ दो फीटस तो हमें देखने को मिल जाते हैं, बट कभी कभी हमें तीन भी देखने को मिलते हैं, चार भी देखने को मिलते हैं, पाँच छः, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अगर थ्री फीटस देखने को मिलते हैं तो उन्हें ट्रिपलेट्स बोलते हैं, अगर फोर होते हैं तो उन्हें क्वाड्रिप्लेट्स बोलते हैं, देन फाइव होते हैं तो क्विंटिप्लेट्स बोलते हैं, एंड देन सिक्स होते हैं तो सेक्सटुप्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या क्या वराइटीज़ होती हैं इसमें। सो इसमें होता है डाईजाइगोटिक ट्विंस होते हैं एंड देन मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। नाउ डाईजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ठीक है? डाईजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं मोस्टली आपको 80% केसेस में देखने को मिलेगा जब दो ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर आप जैसे यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस होता है और यहाँ पर हमारी ओवरीज होती है। सो ओवरी क्या होता है कि इससे ओवम रिलीज़ होता है, लाइक इधर से ओवम रिलीज़ हुआ और दूसरी साइड से भी ओवम रिलीज़ हुआ, यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब दो ओवम रिलीज़ हुए और दोनों ही फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि डाईजाइगोटिक ट्विंस। मींस टू ओवम का फर्टिलाइजेशन होना डाईजाइगोटिक ट्विंस में आता है। देन हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, ये 20% केसेस इसके देखने को मिलते हैं जब सिंगल ओवम ही फर्टिलाइज होता है, ठीक है, लेकिन बाद में जा करके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि डाईजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% केसेस में देखने को मिलता है, देन इसके साथ साथ हम इसको फैटर्नल या फिर बाइनोविलर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसको फैटर्नल या फिर फ्रेटर्नल या फिर बाइनोविलर भी कहा जाता है, जिसमें टू ओम फर्टिलाइज होते हैं। अब क्या हो कि मोस्ट लाइकली रप्चर फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट ग्राफिन फॉलिकल्स यूजुअली ऑफ द सेम वन फ्रॉम ईच ओवरी बाय टू स्पर्म ड्यूरिंग अ सिंगल ओवेरियन साइकिल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों साइड से अगर ओवम रिलीज हुआ है, दोनों ओवरीज से ओवम रिलीज हुआ है और दोनों ही फर्टिलाइज हो जाए, तो उस तब डाईजाइगोटिक ट्विंस होने के चांसेस होते हैं। देयर सब्सिक्वेंट इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट डिफर लिटिल फ्रॉम दोज ऑफ सिंगल फर्टिलाइज ओवम, ठीक है। बेबीज वेयर ओनली फेटरनल रिजेंबल ऑफ ईच अदर दैट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम डिफरेंट बर्थ एंड हैंस कॉल्ड फेटरनल ट्विंस। तो ऐसे जो ट्विंस होंगे उनको हम फेटरनल ट्विंस भी कहेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि लाइक अगर डाईजाइगोटिक ट्विंस है तो उसमें क्या होगा, एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, मे बी चांसेस है कि दोनों बॉय हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कंफर्म है कि एक बॉय और एक गर्ल होगा, बट मोस्टली डाईजाइगोटिक ट्विंस में जो जब भी ऐसे बेबी होते हैं कि लाइक मल्टीपल्स हुए हैं, एक साथ ट्विंस हुए हैं और एक बॉय है और एक गर्ल है, तो मतलब डाईजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक के अंदर दोनों का सेक्स हमेशा सेम रहता है, ठीक है, और दोनों का सेक्स सेम रहता है, दोनों कुछ कुछ अपने साइकोलॉजिकली भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट फिंगरप्रिंट्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट जो सेक्स होगा दोनों का वो सेम होगा। अगर फीमेल है तो दोनों फीमेल होंगे, अगर मेल है तो दोनों ही मेल होंगे, ठीक है। मोनोजाइगोटिक 20% केसेस में देखने को मिलता है, उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं या फिर यूनिवोलर भी बोलते हैं, यूनिवोलर बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम बाइनोविलर बोल रहे थे, है ना। सो ट्विनिंग में अकर एट डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर भी ट्विनिंग हो सकती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज मार्केटली इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द फॉर्मेशन एंड फीटल मेम्ब्रेन। सो मोनोजाइगोटिक के अंदर मुझे आपको यही बताना है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो सेक्स होगा वो सेम होगा, फिंगरप्रिंट्स भी सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ कुछ हद तक उनकी जो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलने को देखने को मिलेंगी, ठीक है, लाइक आरएच फैक्टर सेम देखने को मिल सकता है। देन हमारा हो गया
की 20% केसेस में मिलते हैं। नेक्स्ट है ये देखो इसके अंदर कि कैसे प्लेसेंटा कौन कौन शेयर करेगा और कब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो अगर फर्टिलाइजेशन, अगर डाइजाइगोटिक की बात करें, ये जो डायग्राम है ये डाइजाइगोटिक का डायग्राम है, ठीक है। तो अगर डाइजाइगोटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कभी भी एम्नियन और कोरियन तो सब में देखने को मिलेगा, है ना। तो एम्नियन और कोरियन दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होगा, यानी कि दो एम्नियन होंगे और दो कोरियन होंगे, ठीक है। तो यानी अगर दो एम्नियन है और दो कोरियन है तो क्या मतलब है कि दोनों का प्लेसेंटा अलग अलग होगा और दोनों के जो एम्नियोटिक सैक है वो भी अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग पाउच के अंदर अपने आप को डेवलप करेंगे। तो दोनों के पास दो अलग अलग प्लेसेंटा होंगे, यानी कि डाइजाइगोटिक के अंदर क्या होता है कि दो कोरियन होते हैं, दो एम्नियन होते हैं। यहाँ पर आप देखो डायग्राम में ईजिली आपको कन्फर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की। तो मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या है, एक चीज़ देखने की फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिवीजन हुआ है वो कब हुआ है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या होता है, एक ही ओवा होता है, वो ही फर्टिलाइज होता है और बाद में वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो अगर ऐसा हुआ है, अगर 0 से 3 दिन के अंदर उसका डिवीजन हो गया है फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 0 से 3 दिन के अंदर अगर उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया है तो दो एम्नियोटिक यानी कि दो एम्नियन और दो कोरियन तब देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या दोनों के पास अपना अपना प्लेसेंटा अलग अलग होगा और एम्नियोटिक सैक भी अलग अलग होगा, ठीक है। अगर 3 से 8 दिन पे डिवीजन हुआ है फर्टिलाइजेशन होने के बाद तब क्या देखने को मिलेगा, एक कोरियन देखने को मिलेगा और दो एम्नियन देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों एक ही प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं। कोड तो दोनों के पास अलग अलग है लेकिन प्लेसेंटा एक ही है, तो दोनों के पास एक सिंगल प्लेसेंटा होगा और एम्नियन दो होंगे। बट अगर फर्टिलाइजेशन होने के 8 से 13 दिन के बाद डिवीजन हुआ है तो जो कोरियन है वो भी एक होगा और जो एम्नियन सैक है वो भी एक ही होगा, ठीक है, समझ आया आपको। देखो क्या होता है कि जैसे ये है यूट्रस, ये है यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर नॉर्मली देखें तो यहाँ पर एक बेबी डेवलप करता है अपने आप को, इसके पास होती है एक एम्नियोटिक सैक, दिस इज एम्नियोटिक सैक, जिसके अंदर होता है एम्नियोटिक फ्लूड और इससे एक अटैच होती है कॉर्ड, यहाँ से कॉर्ड निकलती है और कॉर्ड से अटैच होता है कोरियन और ये जो कोरियन है ये क्या है, ये है प्लेसेंटा, यहाँ पे एक प्लेसेंटा है जिसको ये डेवलप करता है। बट इन केसेस ऑफ मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक क्या होगा कि अगर दो बेबी हैं तो आप देखो ये है यूट्रस, बड़ा होगा यूट्रस, ये यूट्रस है। अब अगर मोनोजाइगोटिक है, ठीक है, मोनोजाइगोटिक है और उसे 0 से 3 दिन के बाद डिवीजन हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या होगा, दो एम्नियन होंगे और दो ही कोरियन होंगे, मतलब एक तो फीटस यहाँ है एक फीटस यहाँ है, इसके पास अपना एम्नियोटिक सैक है, इसके पास अपना एम्नियोटिक सैक है। एम्नियोटिक सैक के अंदर क्या होता है, एम्नियोटिक फ्लूड होता है, एम्नियोटिक फ्लूड होता है। अब इसके पास अपना कोड है, इसके पास अपना कोड है, कोड मतलब क्या, एम्बिलिकल कोड, जिससे ये न्यूट्रिशन लेंगे। अब इनका जो कोड है, अब इनके पास अपना यहाँ पर वो है कोरियन है, इसके पास भी अपना कोरियन है, मतलब दोनों के पास अपना अपना प्लेसेंटा है। तो दोनों के पास अपना अपना प्लेसेंटा है तो अब दोनों लोग क्या करेंगे, सेम को शेयर करेंगे। अब लेकिन अगर यही फर्टिलाइजेशन होने के कुछ दिनों के बाद डिवीजन होगा, आफ्टर सम टाइम डिवीजन हो रहा है, 3 से 8 दिन पे डिवीजन हो रहा है, तो ये है यूट्रस, इसके अंदर दो बेबीज़ हैं, एक बेबी यहाँ है एक बेबी यहाँ है, इसके पास अपना एम्नियोटिक सैक होगा, इसके पास अपना एम्नियोटिक सैक होगा, लेकिन दोनों के पास देखो इसके पास अपना एम्बिलिकल कॉर्ड अपना एम्बिलिकल, लेकिन जो प्लेसेंटा होगा वो एक ही होगा, दिस इज प्लेसेंटा, तो दोनों एक ही प्लेसेंटा को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है। अब बात होगी इसकी, ये समझ आ गया होगा तो ईजिली, मतलब जितने कोरियन होंगे उतने प्लेसेंटा होंगे, जितने प्लेसेंटा होंगे जितना एम्नियन होगा उतना ही उसके पास एम्नियोटिक सैक होगा। नाउ कॉजेस, क्यों होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो इसके कॉजेस बहुत सारे हैं। पहली बात तो कि अगर इसका प्रीवलेंस देखो तो इज रिलेटेड टू क्यों होता है, एक तो रेस, रेस की क्या बात है इसमें, रेस जो होते हैं नीग्रोज होते हैं, जो ब्लैक्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो उनका FSH लेवल होता है ना वो हाई होता है, तो जितना ज़्यादा FSH लेवल होगा उतना ही ज़्यादा ओवरीज स्टिमुलेट होंगे और ज़्यादा ओवम रिलीज होंगे, तो इसलिए।
नेक्स्ट है हेरिडिटरी, अगर मदर की साइड से चलता आ रहा है कि प्रेगनेंसी में ट्विंस होते हैं तो फिर चांसेस हैं। नेक्स्ट है एडवांस एज, अब एडवांस एज कैसे कि जैसे ही एज बढ़ती, अब एडवांस एज में प्रेगनेंसी हो रही है आजकल सबको पता है क्योंकि सब अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, तो प्रेगनेंसी लेट होती है। अब जब प्रेगनेंसी लेट होती है तो क्या होता है, लेट प्रेगनेंसी में एक तो FSH लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो ओवम का रिलीज़ होना, ये सब के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो मेडिसिंस यूज़ करते हैं, और जब मेडिसिंस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे FSH को ज़्यादा स्टूमुलेट करते हैं और ज़्यादा FSH रिलीज़ होता है। जब FSH ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ओवम, ऑब्वियस सी बात है, मे बी कि दो ओवम रिलीज़ हो जाए, मे बी हाई फर्टिलिटी हो जाए, तो इसलिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी, अब इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी क्या है कि मतलब अगर वो जो ग्रेविडा है उसका वो ज़्यादा है, ठीक है, तो भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एट्रोजेनिक ड्रग्स, अगर एट्रोजेनिक ड्रग्स हम यूज़ करता है कोई, ठीक है, तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराने के लिए, तो बहुत सारे मतलब कि मल्टीपल फीटस देखने को हमें मिल सकते हैं। सो ये थे कुछ ऐसे कॉजेज जिसको आप इजीली रिमेंबर रख सकते हो। कुछ इसके साथ और भी कॉजेज हैं लाइक सुपर फिकंडेशन, अब ये ना इंटरेस्टिंग चीज़ें, अच्छे से समझने वाली चीज़ें हैं। सुपर फिकंडेशन क्या होता है कि दो ओवम होते हैं, ठीक है, जो कि सेम साइकिल में रिलीज़ हुए हैं और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ, ठीक है, दो ओवम रिलीज़ हुए और दोनों ही फर्टिलाइज हो गए, तो ये होता है कि जो है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसमें लाइक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ सुपर फिकंडेशन क्या होता है। देखो, ये है यूट्रस, यहाँ पे होता है हमारा ओवम, ठीक है, यहाँ पे है ओवम, अब एक यहाँ पे ओवम है, अब यहाँ से रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे ओवरीज है, सॉरी, यहाँ से रिलीज़ हुआ ओवम, एक ओवम यहाँ से रिलीज़ हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से ओवम रिलीज़ हुए। अब यहाँ से जो है स्पर्म्स की एंट्री हो रही है, सेम साइकिल की बात करूँ मैं, उसी मंथ में, एक ही मंथ में दो ओवम रिलीज़ हो रहे हैं, वैसे नॉर्मली एक ओवम रिलीज़ होता है, बट यहाँ पे क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि FSH लेवल ज़्यादा है, तो दो ओवम रिलीज़ हो गए। अब स्पर्म्स की एंट्री हुई, स्पर्म्स ने क्या किया, दोनों ओवम को फर्टिलाइज कर दिया। अब दोनों ओवम जब फर्टिलाइज हो गए तो यहाँ पर क्या होगा, यूट्रस के अंदर दो जो होंगे, दो फीटस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर फिटेशन, अच्छा सुपर फिटेशन, आप सुपर, एक बात और सुपर इसके बारे में, सुपर फिकंडेशन के बारे में, कि ये एक फादर से भी हो सकते हैं, अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स है तो हो सकता है एक ओवम किसी एक पर्सन के स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया और दूसरा ओवम दूसरे के स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, तो इसमें सेपरेट फादर भी हो सकते हैं, एक लेडी के दो बच्चों के दो फादर हो सकते हैं। देन सुपर फिटेशन क्या होता है कि इट इज़ द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये होता है कि ओवम यहाँ से रिलीज़ होगा, ठीक है, यहाँ से रिलीज़ होगा ओवम, तो लाइक अभी अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी में एक ओवम रिलीज़ हुआ है यहाँ पर, और वो ओवम क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया और यहाँ पे प्रेगनेंसी होनी स्टार्ट हो गई, प्रेगनेंसी हो रही है, ग्रो हो रही है। अब क्या हुआ, फरवरी में फिर से ओवम रिलीज़ हो गया। अब आप कहोगे कि जब प्रेगनेंसी है तो ओवम कैसे रिलीज़ हो सकते, क्योंकि पीरियड्स तो नहीं रहते, एमिनोरिया हो जाता है, बट कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि कंटिन्यू रहता है, और क्योंकि FSH लेवल ज़्यादा है तो उसमें क्या हो रहा है कि ओवम रिलीज़ हो रहा है, दिस इज़ रियल केस। तो अब दोबारा से फरवरी के महीने में क्या हुआ, दोबारा से उसको पीरियड्स आए, दोबारा से उसका ओवम रिलीज़ हुआ और उसने कोइटस कर लिया, और अब कोइटस करने के बाद ये वाला जो था ये फर्टिलाइज हो गया, तो अब यहाँ पर एक ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी चांसेस हैं कि दोनों फीटस ग्रो कर जाए, बट ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या होगा कि ये वाला फीटस अपने आप को ग्रो करता रहेगा और ये बढ़ता जाएगा और इस फीटस को दबा देगा, और एक बार कोई इसको स्पेस नहीं मिलेगा ग्रो करने को, तो इसकी जो है डेथ हो जाएगी, फर्स्ट वाले फीटस की डेथ भी हो सकती है। और जब फर्स्ट फीटस की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, आप सोच रहे हैं कि सेप्सिस हो जाएगा, है ना, मदर को प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, बट इसके साथ साथ क्या होता है कि इसको यूट्रस ममीफिकेशन करना स्टार्ट कर देती है, इसको यूट्रस क्या करती है कि ये वहीं पर ही मर जाता है, वहीं पर ही ये अपने आप को ममीफाइड कर लेता है और धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है,
धीरे धीरे इसका अस्तित्व जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब हम USG कराते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ बोन्स प्रेजेंट है, कुछ फिक्सेस प्रेजेंट है, जिससे ही हमें पता चलेगा कि उसको पहले प्रेगनेंसी थी, पहले भी यहाँ पर कोई फीटस था। ठीक है, तो ये होता है सुपर फिटेशन, मतलब डिफरेंट साइकिल में ओवम रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट साइकिल में ओवम रिलीज़ हुआ है और दोनों ही ओवम जो है फर्टिलाइज हो गए हैं। फीटस पेप्रिकस, फीटस पेप्रिकस क्या होता है, देखो ये दिख रहा है, ऐसे क्या होगा कि वही जो मैंने बताया उसी को फीटस पेप्रिकस कहते हैं, कि एक बार एक जो फीटस है वो उसकी डेथ हो गई, उसने अपने आप को मम्मीफाइड करना स्टार्ट कर दिया, वो मर गया, गल गया यूट्रस के अंदर ही, और दूसरा वाला जो ओवम था वो फर्टिलाइज हो गया। वो इतना बड़ा था ओवम, सॉरी वो फीटस इतना बड़ा हो रहा था कि उसने पहले वाले को अपने जो भी उसका भाई बहन था उसको मार दिया और अपने आप को उसने ग्रो कर लिया। सो दिस इज़ फीटस पेप्रिकस। देन हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल आपको पता है क्या होता है, एक ऐसी डिजीज जिसमें कि जो जो यहाँ पे ओवरीज होते हैं इसमें क्या होता है कि ऐसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो इसमें भी FSH लेवल हाई हो जाता है, तो FSH लेवल हाई होता है तो इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। देन वैनिशिंग ट्विन, वैनिशिंग ट्विन भी सेम वैसे ही है, ये भी अल्ट्रासाउंड से पता चलता है हमें कि हाँ यहाँ पर कोई ट्विन था जो कि अभी नहीं है, इस तरीके से। सो ये सारे थे कॉजेस। देन अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो मदर के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे कि देखो, एक तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, तो उसका एक तो वेट भी बढ़ेगा क्योंकि दो हैं, और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नॉर्मली भी बढ़ता है, ठीक है, अब कितना बढ़ रहा है, 500 ml ज़्यादा बढ़ रहा है, और रेड ब्लड सेल इंक्रीज़ नहीं होंगे लेकिन, ठीक है, और उसको एनीमिया भी हो सकता है, इंक्रीज अल्फा प्रोटीन लेवल, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। सो ये जो चीज़ें नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है वही इसमें होंगी, बट थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। देन डायग्नोज कैसे करोगे आप, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री के अंदर हम उनसे पूछेंगे क्या कि कहीं कभी आपके फैमिली में किसी को ऐसा था, क्योंकि हमने पढ़ा मटर्नल साइड से होता है, रेस से होता है, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम पूछेंगे, पहले तो ट्विन प्रेगनेंसी नहीं हुई थी तो ये सब हम हिस्ट्री में पूछेंगे। ठीक है, देन ART ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ तो नहीं किया है आपने। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री लेंगे ट्विनिंग की, जो मैंने बताया आपको मटर्नल साइड से हुआ है कि नहीं, ऐसा हुआ है आपकी फैमिली में या नहीं हुआ है पहले, और कुछ सिम्टम्स को हम देख के डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा अर्ली मंथ में, कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बरेसमेंट होता है, ठीक है, पाल्पिटेशन होता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, स्वेलिंग होती है लेग्स के अंदर, वेरिकोज वेन हो सकता है, हैमरोइड्स हो सकते हैं। अब स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वेट ज़्यादा है स्टमक के अंदर और उसका वजन जो है लेग पे पड़ेगा, तो जब लेग पे वजन पड़ेगा तो वेरिकोज वेन होगा। हैमरोइड्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो वो सारे सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं कि अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो जेस्टेशनल जो सिस्टम है हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, वहाँ पर भी एडजस्टमेंट होती है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जब वो डिक्रीज़ होंगी तो हैमरोइड्स होगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से। देन एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो जाएगी ज़्यादा, जैसे देख के लगेगा कि इसमें एक से ज़्यादा फीटस है, फीटल मूवमेंट जो है ज़्यादा सुनाई देगी, मतलब कि मल्टीपल जो फीटस के साउंड है वो सुनाई देंगे। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, हाँ उसमें क्या करेंगे, एनीमिया देखेंगे, देन उसका वेट गेन यूजुअल से ज़्यादा है, उसको प्री एक्लेम्शिया है जो कि, ठीक है, अगर हुआ है, देन एविडेंस ऑफ प्री एक्लेम्शिया कितने हैं, 25% केसेस में देखने को मिलता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, अब उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा स्टमक का साइज़ बढ़ा हुआ मिलेगा नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है, पाल्पेशन करेंगे तो उसमें क्या पता चलेगा कि एक तो बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है, टू मैनी पार्ट्स हमें फील होंगे फीटस के, और FSH जब करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे तो FSH जो है एक से ज़्यादा FSH हमें सुनाई देंगे, तो इस तरीके से हम इसका जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है कि 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है तो हमें ऐसा आइडेंटिफिकेशन जो है कि क्लियर हो जाता है कि हाँ मे बी यहाँ पे ज़्यादा एक से ज़्यादा फीटस हैं, तो क्रोनियोसिटी कर सकते हैं, वाइबिलिटी ऑफ फीटस, वेनिशिंग ट्विन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन प्रेगनेंसी की डेट देख सकते हैं, देन फीटल एनामलीज है कि नहीं, फीटल ग्रोथ को हमें वो करना है, चेक करना है,
ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, सोनोग्राफी के अंदर। सोनोग्राफी मतलब यूएसजी, यूएसजी के अंदर हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। देन हमारा है मॉनिटरिंग एट एवरी 3-4 वीक के इंटरवल में, हम उसको मॉनिटर करेंगे। प्रेजेंटेशन लाई कैस कौन सा है, वर्टिक्स है, कैसी प्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। प्लेसेंटा कहाँ पे लोकेटेड है, एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम कितना है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, उससे देखेंगे कि ज़्यादा है कम है। पॉलीहाइड्रोमनियाज है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज है, लाइक 1000 ml होता है नॉर्मल, बट ये होता है हमारा 32 वीक में। 34 वीक में जब लेडी आती है तो वो दोबारा से 800 ml हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड का वॉल्यूम होता है। कुछ टेस्ट कराएंगे हम उसके, जैसे कि हमने क्रोनिक गोनाड्रेनर्जिक अल्फा प्रोटीन, फेटोप्रोटीन एंड अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल आर अप्रोक्सीमेटली डबल, मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगा, नॉर्मल से ज़्यादा हमें हाई लेवल में देखने को मिलेंगे। सो इस तरीके से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो एक तो देखो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, फीटस को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, दोनों को हो सकते हैं। मैटरनल के अंदर पढ़ेंगे हम एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग लेबर कैसे हो सकता है, और ड्यूरिंग परप्यूटम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एंटीनेटल पीरियड में क्या होगा, नॉजिया और वॉमिटिंग होगा ज़्यादा, एनीमिया होगा, माल प्रेजेंटेशन होगी, मतलब एक तो बच्चा मान लो वर्टेक्स है, एक ब्रीच निकल गया, ठीक है। अगर पहले वाला बच्चा ही ब्रीच हो गया, फर्स्ट डिलीवरी आ रही थी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, हाइड्रोएमनियाज हो सकता है, मतलब पॉली या ओलिगो कोई सा भी हो सकता है, एंटीपार्टम हैमरेज हो सकता है, मैकेनिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत आ सकती है, और लेबर जो है प्रीटर्म हो सकता है। अब ड्यूरिंग लेबर क्या करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर देखो, लेबर क्या होता है कि जब सर्विक्स फुल डायलेट हो जाता है 10 cm से, जब तक फीटस एक्सपेल आउट ना हो जाए, है ना, फीटस बाहर ना आ जाए, तब तक का स्टेज हमारा सेकेंड स्टेज आता है जिसको लेबर बोल रहे हैं। तो लेबर एक तो प्रोलोंग्ड हो सकता है, कोड प्रोलैप्स हो सकती है, मतलब कोड बाहर आ गई वजाइना के थ्रू और बेबी अंदर ही है। पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, ऑपरेटिव इंटरफेरेंस हो सकता है ज़्यादा, मतलब हो सकता है हमें सर्जरी करनी पड़ जाए और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। अब परप्यूरियम क्या होगा, हो सकता है परप्यूरियम क्या होता है, एक तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा से लेकर के जो हमारे जो प्रेग्नेंट स्टेज में जो भी ऑर्गन्स थे वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में जाते हैं, उस पीरियड को हम परप्यूरियम कहते हैं। अब परप्यूरियम के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो एक तो सबिनल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द यूट्रस, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ऑपरेटिव इंटरफेरेंस हुआ है मे बी इसकी वजह से, लैक्टेशन फेलियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें परप्यूरियम के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब फीटस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर एक से ज़्यादा फीटस है यूट्रस के अंदर, अगर यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा फीटस है तो IUGR हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटस डिस्ट्रेस में जा सकता है क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है मिसकैरेज भी हो सकता है, डिस्कॉर्डेंट ट्विन बर्थ हो सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है, फीटस को एनामलीज हो सकती है, और स्टिल बर्थ हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, तो एक तो एंटीनेटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब जब उसने कंसीव किया उसके बाद से लेकर लेबर के टाइम पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, और परप्यूरियम के टाइम पे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले एंटीनेटल पीरियड में हम कौन सा मैनेजमेंट करेंगे, सो एंटीनेटल पीरियड में हम तो एक डाइट के लिए उसको बोलेंगे, ठीक है, 300 calories पर डे एक्स्ट्रा कर दे, रेस्ट के लिए बोलना है उसको, ज़्यादा रेस्ट करे, ठीक है। देन सप्लीमेंट थेरेपी दे सकते हैं, लाइक आयरन थेरेपी देंगे, एडिशनल विटामिन हम उसको प्रोवाइड करेंगे, लाइक कैल्शियम, फॉलिक एसिड, 5 mg आर गिवन, ठीक है। देन इंटरवल, एंटीनेटल विजिट के इंटरवल कैसे ज़्यादा होने चाहिए, नॉर्मली जो WHO ने बोला है कितना बोला है, 4 visits बोली है, बट यहाँ पे हमें ज़्यादा विजिट्स करनी पड़ेंगी। फीटल सर्विलेंस को देखना पड़ेगा, सोनोग्राफी को, ठीक है, हर एक चीज़ में AFI मॉनिटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें एंटीनेटल पीरियड में चेक करनी है। अब ड्यूरिंग लेबर कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, तो ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, लेबर क्या मतलब कि अब बेबी जब बर्थ होने वाला है उसका, सर्विक्स डायलेट हो गया फुल, ठीक है। अब लेबर के टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे, तो देखो यहाँ से देखना है कि क्या होगा कि एक तो जब उसको हॉस्पिटलाइज कर लिया तो हम क्या करेंगे, मान लो कि
दोनों ही बेबी वर्टेक्स हैं, या फिर दोनों बेबी जो है इसमें ऐसे एक वर्टेक्स है और एक नॉन वर्टेक्स है, उसकी पोजीशन कुछ और है, तो ऐसे चांसेस 40% देखने को मिलते हैं, और दोनों वर्टेक्स ऐसे 50% चांसेस देखने को मिलते हैं। तो एक तो उसको एनाल्जेसिया देंगे, एपिडोरल प्रीफर्ड किया जाता है ताकि उसको पेन का कम थोड़ा सेंसेशन हो। केयरफुल हमें क्या करनी है, फीटस की मॉनिटरिंग करेंगे और हम उसको ड्रिप स्टार्ट कर देंगे, देन कंडक्ट कराएंगे फर्स्ट बेबी की डिलीवरी, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है उस तरीके से फर्स्ट बेबी की डिलीवरी कंडक्ट कराएंगे। नाउ जब फर्स्ट बेबी डिलीवर हो जाए वजाइनली, तब क्या करेंगे, कॉर्ड को डिवाइड कर देंगे, दो क्लैंप्स लगाएंगे और बेबी की साइड से हम कॉर्ड को कट करके उसको पीडियाट्रिक को हैंडल कर देंगे और उसको फर्स्ट बेबी को मॉनिटर करेंगे। फिर हमें मिथार्जिन नहीं देना है, नॉर्मली हम मिथार्जिन देते हैं 0.2 mg IM देते हैं, बट अब हम मिथार्जिन नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड बेबी तो अंदर है अभी, तो मिथार्जिन नहीं देंगे, ठीक है। तो मिथार्जिन नहीं देने के बाद क्या करेंगे, हम दूसरे बेबी की प्रेजेंटेशन को चेक करेंगे। अब अगर दूसरे बेबी का प्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो हम उसका मेम्ब्रेन रप्चर कर देंगे, और रप्चर करने के बाद ऑक्सीटोक्सिन देंगे अगर ज़रूरत है, और फिर भी अगर डिले हो रहा है डिलीवरी में और वर्टेक्स है तो क्या करेंगे, हम फोर्सेप डिलीवरी पे भी जा सकते हैं या फिर वैक्यूम डिलीवरी भी करा सकते हैं। अगर बच्चा ब्रीच है तो भी हम क्या कर सकते हैं कि ब्रीच एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बच्चा डिलीवरी करा सकते हैं, और PPH के लिए हमें नोटिस करना है कि ऐसा होना। नाउ अगर बेबी ट्रांसवर्स है, ठीक है, सेकेंड बेबी ट्रांसवर्स है, तो क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल वर्जन कर सकते हैं। एक्सटर्नल वर्जन के अंदर सिफेलिक प्रीफरेबल कर सकते हैं या फिर पोडेलिक वर्जन कर सकते हैं। अगर ये भी फेल हो गया तो हम इंटरनल पोडेलिक वर्जन करेंगे, और इंटरनल पोडेलिक वर्जन करने के बाद हम डिलीवरी को कंडक्ट कराएंगे और PPH के लिए हम देखेंगे, ठीक है। समझ अगर नहीं आया तो यहाँ पे हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट बेबी की डिलीवरी तक तो समझ आ गया होगा ना, तो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो गई। अब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो गई, उसके बाद हम वैसे नॉर्मली देते हैं 0.25 mg देते हैं मिथार्जिन, लेकिन यहाँ पे हम मिथार्जिन नहीं देंगे। अब मिथार्जिन नहीं देने के बाद क्या करना है कि हमें कराना है USG, या फिर हम एब्डोमिनल पाल्पेशन करके भी चेक कर सकते हैं कि सेकेंड बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सा है। तो अगर उसका प्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, अगर उसका प्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल है तो हम उसका जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर देंगे। रप्चर करने के बाद उसको ऑक्सीटोक्सिन की ड्रिप हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जब हम ऑक्सीटोक्सिन की ड्रिप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी हम डिलीवरी को कंडक्ट कराएंगे, नॉर्मल डिलीवरी जैसे होती है वैसे कंडक्ट कराएंगे। बट अगर ये तो था लॉन्गिट्यूडनल, अगर बेबी ट्रांसवर्स है, मतलब कि ये यूट्रस है और इसमें सेकेंड बेबी ऐसे पड़ा हुआ है, तो कैसे आएगा, ऐसे तो बाहर नहीं आएगा। तो अगर वो ट्रांसवर्स है तो हम एक्सटर्नल वर्जन करते हैं। एक्सटर्नल वर्जन क्या होता है, आपने रोबोट फिल्म देखी है, रोबोट फिल्म में क्या होता है कि वो आता है और बाहर से पेट को घुमा करके क्या करता है, डिलीवरी को कंडक्ट कराता है ना। जब बाहर से वो पेट को ऐसे घुमाता है तो बेबी क्या होता है कि सीधा हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल में आ जाता है, ठीक है। रोबोट फिल्म अगर देखी होगी तो वो इधर से हाथ को लगा के ऐसे इसको सीधा कर देता है, वैसे करेंगे। ये पहले होता था, अब नहीं होता है, बट ऐसा, ठीक है। अगर तो ये सीधा हो गया तो ठीक है, डिलीवरी कंडक्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अपने हाथ को वजाइना के थ्रू यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इसको ऐसे पकड़ के सीधा करेंगे, और ऐसे सीधा करने के बाद हम डिलीवरी को कंडक्ट करेंगे। और जब ये डिलीवरी कंडक्ट हो जाएगी तो हमें क्या करना है, PPH ना हो उसके लिए हमें मॉनिटर करना है मदर को। सो दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपर प्यूरियम पीरियड में क्या करना है, उसको एक्स्ट्रा केयर देनी है, एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट देना है, सब कुछ हमें मॉनिटर करना है, वाइटल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होगा उसको, है ना, क्योंकि दो दो प्रेगनेंसीज थी, वाइटल्स देखेंगे, ये सब चीज़ें हम अपर प्यूरियम पीरियड में करेंगे, डाइट मेजर करेंगे। तो ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ दी सेकेंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।